खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। खबर स्टेशन में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे भारतीय के बारे में जो रोजाना 300 करोड़ रुपए कमाता है। कौन है ये भारतीय कारोबारी, इसे जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने लगातार 7वीं बार वर्कले हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2018 में सबसे अमीर भारतीय के रूप में शीर्ष पर जगह बनाई है। इस लिस्ट के अनुसार अंबानी की हर दिन की कमाई में करोड़ों का इजाफा हुआ है। इस सूची में दूसरे स्थान पर एसपी हिंदुजा एंड फैमिली है, जिसकी अनुमानित संपत्ति 1,59,000 करोड़ रुपए है। तीसरे स्थान पर आर्सेलर मित्तल की एलएन मित्तल एंड फैमिली है, जिसकी अनुमानित संपत्ति 1,14,500 करोड़ रुपए है। इसके बाद विप्रो के अजीम प्रेमजी का नाम है, जिनकी संपत्ति 96,100 करोड़ रुपए है। सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के दिलीप संघवी की संपत्ति 89,700 करोड़ रुपए, कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक की संपत्ति 78,600 करोड़ रुपए है। वहीं सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला की संपत्ति 73,000 करोड़ रुपए है। अडानी समूह के गौतम अडानी एंड फैमिली की संपत्ति 71,200 करोड़ रुपए और शाहपुर जी पालोन जी मिस्त्री के साइरस पी मिस्त्री की संपत्ति 69,400 करोड़ रुपए है। हुरन रिपोर्ट भारत के प्रबंध निदेशक रहमान जुनेद ने कहा है कि इस साल सालाना सूची में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति वाले अमीरों को शामिल किया जाता है। देश में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति रखने वालों की संख्या साल 2017 में 617 थी, जो साल 2018 में बढ़कर 831 हो चुकी है। इन 831 लोगों की संपत्तियों को मिलाया जाए तो यह 719 अरब डॉलर होती है, जो कि देश की कुल संपत्ति का 1/4 है। रिपोर्ट्स के अनुसार मुकेश अंबानी की संपत्ति में पिछले एक साल में 300 करोड़ रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है। एक साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों का भाव 45% तक बढ़ चुका है। वहीं उनकी कुल अनुमानित संपत्ति 3,71,000 करोड़ रुपए है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर स्टेशन।